एकेडमिक गर्ल्स क्रिकेट सीरीज के तत्वावधान में गुरुवार को सेंट एंड्रयूज कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट सीरीज के फाइनल मैच में गोरखपुर ए और गोरखपुर बी के बीच मैच खेला गया, जिसमें गोरखपुर ए ने गोरखपुर बी को 34 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया, जिसमें गोरखपुर ए की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए विनीता यादव ने 34 रन, श्रेया साही ने 33 रन और अंजुम आरा ने 19 रनों का योगदान दिया। जिसके संबंध में मुख्य अतिथि राकेश पाठक ने बताया कि तीनों मैचों की सीरीज कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस मैच के जरिए हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आगे हर महीने मैच कराकर गर्ल्स खिलाड़ियों की टीम बनाकर पूर्वांचल या गोरखपुर मंडल के नाम से टीम गठित कर बाहर भी प्रमोट किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि राकेश पाठक ने कहा, चार टीमों को हिस्सा लेना था, मगर किसी कारणवश जिसको गोरखपुर ए टीम ने जीता, गोरखपुर बी टीम ने 126 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 86 रन पे ऑल आउट हो गए। करेंगे और जैसा मैंने पहले भी उस दिन बताया था आप लोगों को कि पिछले बार भी हमें हम लोगों ने 5-6 साल बहुत मेहनत किया, हुआ ये कि कुछ लड़कियां अब जिस भी कारण से गई हो वो छोड़ के बाहर चली गई, और मैंने ये भी बताया था कि जो लोग हम लोग साथ लगी रही वो आज नेशनल लेवल पे खेल रही है, यूपी खेल रही है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने एसोसिएशन को मत छोड़िए, इतना भागने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेहनत करिए, हम लोग पूरे तरह से आप लोगों के साथ हैं और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा आप लोगों के लिए करेंगे, लेकिन अंततः ग्राउंड पे तो आप लोगों को परफॉर्म करना है, उसकी तैयारी आप लोग करिए और बिल्कुल वादा है कि हर महीने आप लोगों को मैचेज हम लोग खिलाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज किस तरह खेल का आयोजन किया गया? ये लड़कियों के लिए जो हमारे गोरखपुर मंडल बस्ती मंडल जो अपना पूर्वांचल का रीजन है, इस रीजन में महिला क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कुछ अंतराल के बाद हम लोग पहले भी कराते रहे हैं मैचें, लेकिन बीच में कुछ अंतराल हो गया था, उसके बाद ये हम लोगों ने 3 मैचों की एक सीरीज कराई है जिसमें अपने जो पूरे जो रीजन है पूर्वांचल का उसमें अलग अलग जनपदों से जैसे गोरखपुर बस्ती सिद्धार्थनगर महाराजगंज कुशीनगर मऊ इन सब जगहों से प्लेयर्स को इकट्ठा करके हम लोगों ने इनको 2 टीम में बांट करके 3 मैचों की सीरीज कराई है और बहुत ही सफल आयोजन रहा। लड़कियां अलग अलग जगह से आई, एक दूसरे के साथ मिल के उन्होंने क्रिकेट खेला है और यहां से वो काफ़ी कुछ सीख करके जा रही हैं और ये हम लोगों ने एक तरह से अभी आज इस मैच के जरिए इस टूर्नामेंट के जरिए शुरुआत किया है और हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि आगे जो है हर महीने इनके मैचेज करा करके इन लड़कियों में से एक टीम छाट करके हम लोग इनको एक टीम बनाएंगे पूर्वांचल के नाम से या गोरखपुर मंडल के नाम से टीम बना करके इनको हम लोग बाहर भी प्रमोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ से 20 लड़कियाँ निकल करके स्टेट को और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें। इस दिशा में एक कदम है, पहले भी हम लोगों ने बहुत कराया था, बीच में कुछ गैप हो गया, लेकिन अब फिर से हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है इसके लिए और हम लोग लगे हुए हैं और आने वाले समय में निश्चित ही एक बेहतर परिणाम लड़कियों के मेहनत से हम लोग को प्राप्त होगा। नमस्कार, राकेश पाठक।